At least three Pakistani army personnel were gunned down in an attack by the ISIS on the outskirts of Peshawar on Sunday. Reportedly, the incident took place in Khazana area, where armed motorcyclists opened fire at a white Suzuki Bolan used by the military officials. The deceased men were believed to be working at an army mess. Several bullets of 9mm and 30 bore pistol have been recovered from the attack site. Further investigation into the incident is underway. पाकिस्तान में चल रही जो आतंकवाद की फैक्ट्री है उसके प्रदूषण से पूरी दुनिया के सेहत को खतरा हो गया है और जल्द से जल्द इस बदबू कर रही आतंकवाद की फैक्ट्री का इलाज करने की जरूरत है, उसके प्रदूषण का इलाज करने की जरूरत है जो पूरी दुनिया के अमन और पूरी दुनिया के इंसानियत के लिए खतरा बनी हुई है। आज जंग आतंकवाद बनाम अमन हो गई है। जो आतंकवाद के संरक्षक हैं, जो आतंकवाद को संरक्षण दे रहे हैं वो पाकिस्तान है और पाकिस्तान में जो जिस तरह के आतंकवादी और आतंकवादी संगठनों का एक चरागाह बनी हुई है, एक सुरक्षित ठिकाना बना हुआ है, वो आज पूरी दुनिया की नजरों में के सामने आ चुका है। आज पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान एक आतंकवादी देश की भूमिका में आ गया है और निश्चित तौर से आज दुनिया की लड़ाई सबसे प्राथमिक लड़ाई, सबसे पहली लड़ाई आतंकवाद से है और आतंकवाद के साथ साथ आतंकवाद के संरक्षकों से भी है। ये जानना आवश्यक है कि अगर आप सोचते हैं कि मैं खुश होता हूं क्योंकि आतंकवादी आपको हमला कर रहा है, तो ये याद रखना आवश्यक है कि आतंकवादी किसी का भाई नहीं, किसी का बहन नहीं, किसी का बाप नहीं, किसी की माँ नहीं। आतंकवादी सबके विरुद्ध है। वैश्विक रूप से वो अगर एक को छूता है तो सबको छूता है और इसलिए इसमें सामूहिक भौगोलिक विरोध और लड़ाई आवश्यक है और इसी बात को नहीं समझ के मेरा आतंकवादी और तेरा आतंकवादी के झगड़े में पड़ के कई देशों ने आतंकवाद का निर्यात अपने देश का एक आर्थिक नीति बना दी है। वही देश आज उसी एक ऐसे मॉन्स्टर से फंस गए हैं जिसको वो नियंत्रित नहीं कर सकते। तो मैं समझता हूँ आईसिस जैसे आतंकवाद से ग्रस्त ग्रुप्स सभी के लिए एक अत्यंत भयानक, गंभीर और एक घोर चुनौती।